वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मुख्य परीक्षा की एकदम जोरदार तैयारी चल रही होगी। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 10 पे, हिंदी माध्यम का ये वीडियो हिंदी में लिखा हुआ आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। इसमें हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री, कृषि एवं सामाजिक वानिकी। छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन अपने आप में कंप्लीट है पूरा वीडियो में। इसके बाद आपको उत्तर लिखने का अभ्यास जो आप इसमें देखें उसको खुद लिख के देखिए, ये एक अच्छा तरीका है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने का। जो लोग भी PDF चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे और वो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग पेड ग्रुप चल रहे हैं, UPPCS 2023 मेंस के लिए एक कंप्लीट ग्रुप है जिसमें आपको सब कुछ एक ही जगह पे दिया जा रहा है, सारा GS सब्जेक्ट्स का मटेरियल हिंदी सब कुछ एक ही जगह पे। इसके अलावा सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप है जिसमें आप उत्तर लेखन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको मॉडल उत्तर दिए जाएंगे, आपका पूरा फीडबैक आपको दिया जाएगा, आपके आंसर्स चेक होंगे, बहुत ही बढ़िया स्तर का जो है आपको उत्तर लेखन का अभ्यास उसमें कराया जा रहा है। या फिर सिर्फ निबंध लेखन के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर है हमारा UPPCS 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पे, CSAT फिर आपका मेन्स सब कुछ, फिर आपको कहीं से भी कुछ और रेफर नहीं करना है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कीजिए, कीवर्ड्स लिखते रहिए जो जो आपको लेक्चर में बताए जाएं, लेक्चर 2-3 बार देखिए और फिर आंसर राइटिंग कीजिए, आप निराश नहीं होंगे अगर मेहनत पूरी है आपकी। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है फीडबैक है कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली बताइए हमें। तो फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 10 हिंदी माध्यम में शुरुआत। चलिए तो GS 6 का पॉइंट नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री प्रदेश में। पहली चीज तो ये कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या समझते हैं, कृषि वानिकी क्या मतलब हुआ इसका? देखिए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, अगर आप देखें जो जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, उसका जो समग्र विश्व है उसमें कृषि के लिए नकारात्मक परिणाम है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। जलवायु परिवर्तन के अनुक्रमिक परिणाम के रूप में चरम मौसमी घटनाएं द्वारा कृषि की समग्र उत्पादकता को कम कर देने की भी संभावना है। अब कई बार अचानक आने वाली बाढ़ है, सूखा है, बेमौसम बारिश है, ओलावृष्टि है, ग्रीष्म व शीत लहरें हैं जो फसलों के लिए अनुपयुक्त तापमान उत्पन्न कर देती है। ऐसी घटनाएं भी कृषि अभ्यासों को नई जलवायु वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने की मांग रखती है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो एग्रीकल्चर भी उस हिसाब से अपने आप को ढाल ले, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस परिदृश्य में कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री का अभ्यास जो है वो भारत के सभी राज्य, उनके साथ साथ जो बाकी विकासशील देश हैं, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कृषि वानिकी क्या है, ये एक लैंड यूज पैटर्न है, लैंड यूज सिस्टम है, ये एक भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है जो बात करती है तीन चीजों को एकीकृत करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा उपयुक्त, साइंटिफिकली साउंड है। वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हैं ट्रीज, वृक्षारोपण, क्रॉप्स आपका फसल उत्पादन, और आप लाइफ स्टॉक लिख लो या फिर एनिमल्स लिख लो या फिर कैटल लिख लो, कुछ भी लिख लो, पशुपालन। इन तीन चीजों को एकीकृत करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो चीज उपयुक्त हो उसको आप कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर कृषि वानिकी। ठीक है, अब यह लिखा है जो पारिस्थितिक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि और वानिकी प्रथाओं को जोड़ती है। इसमें खेतों में पेड़ लगाना, उन्हें कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना और उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए उनका प्रबंधन शामिल है।
के लिए। इससे फायदे क्या क्या होते हैं? इससे एग्रोफॉरेस्ट्री मृदा की उर्वरता में सुधार कर सकती है, फसल की पैदावार बढ़ा सकती है, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करती है, हैबिटेट लॉस की जो हम बात करते हैं वो नहीं होगा इससे, और इमारती काष्ठ और गैर इमारती वन उत्पादों से आय उत्पन्न कर सकती है। ये है आपकी एग्रोफॉरेस्ट्री। ये एक गतिशील पारिस्थितिकी पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, लिख लो इसे, जो खेतों एवं कृषि भूदृश्य में काष्ठीय बारहमासी, मैं पहले लेक्चर में भी ये चीज बता चुकी हूँ, जो वुडी पेरेनियल्स हैं, वुडी पेरेनियल्स पादप के एकीकरण के माध्यम से उत्पादन में विविधता एवं सहनीयता, डाइवर्सिटी प्लस सस्टेनेबिलिटी लाती है और सामाजिक सहयोग का निर्माण करती है, ये लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये जरूरी क्यों है, कृषि वानिकी की हम बात कर रहे हैं तो ये जरूरी क्यों है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। पहली चीज है इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। ये क्या है, जो देश की ईंधन लकड़ी है फ्यूल वुड, उसकी आवश्यकताओं के लगभग आधा हिस्सा, लघु इमारती लकड़ी जो स्मॉल टिम्बर होता है, सब बता रही हूँ मैं हिंदी में अच्छे से, उसकी मांग के लगभग दो तिहाई हिस्से को, प्लाईवुड आवश्यकता के 70-80% भाग, और जो लुगदी होती है पेपर पल्प उद्योग उसके लिए कच्चे माल का जो 60% भाग है, और जो हरा चारा है ग्रीन फॉडर जिसको आप कहते हैं उसका 9-10% हिस्से की पूर्ति अकेला कर सकती है अगर हम एग्रोफॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करें तो। इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा है इसकी। दूसरी चीज मतलब इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है तो ये वृक्ष उत्पाद और वृक्ष द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं उसमें ग्रामीण आजीविका में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। इसमें फल हो गया, चारा, ईंधन, फाइबर, उर्वरक, आपका फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, 5F, और इमारती काष्ठ, खाद्य और पोषण सुरक्षा, आय सृजन, साथ ही साथ फसल खराब होने पे बीमा के रूप में, क्रॉप इंश्योरेंस के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। दूसरी चीज है कार्बन प्रच्छादन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था कार्बन को स्टोर करना, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ये कार्बन का भंडारण कहलाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कृषि वानिकी है या वृक्ष आधारित खेती जो है ये एक स्थापित प्रकृति आधारित गतिविधि है जो कार्बन तटस्थ विकास में सहायता कर सकती है। यह वनों के बाहर वृक्षारोपण का विस्तार करेगी, प्राकृतिक वनों की तरह कार्बन प्रच्छादन में योगदान करेगी और इस तरह उन पर से दबाव को कम करेगी और किसानों की आय में मदद करेगी। तीसरी और क्या मदद कर सकती है, ये उर्वरकी जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका कंजम्पशन कम कर सकती है, खपत कम कर सकती है। मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर लिख देती हूँ बस, जिससे आपको बस पॉइंट्स याद रहे, इनकी खपत जो है उसमें कमी ला सकती है। जो कृषि वानिकी प्रणालियों में उगाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग वृक्ष हैं वो 50-100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्स करने में सक्षम है। तो ये जो कृषि वानिकी प्रणाली है इसमें सबसे आशाजनक घटक यही है। गिरी हुई पत्तियां हैं वो अपघटित होकर आपका ह्यूमस का निर्माण करेंगी और पोषक तत्व प्रदान करके मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी। तो ये उर्वरक आवश्यकता को कम करेगा, जब भाई जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर्स की फिर सॉइल में यूज करने की। रासायनिक उर्वरकों की कम आवश्यकता के कारण क्या होगा, कृषि वानिकी जैविक खेती बढ़ेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर आप क्या लिख सकते हो, पारिस्थितिकी के अनुकूल है ना, क्लाइमेट के बिल्कुल अनुकूल है, कम रसायन का उपयोग होगा, इससे जलवायु पर जो मानव जनित प्रभाव होते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स को ये कम करता है। कृषि वानिकी कटाव नियंत्रण, जल प्रतिधारण, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, कार्बन भंडारण, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ हवा, समुदायों को चरम मौसमी घटनाओं का मुकाबला करने में भी सक्षम ये साथ साथ बने। एक फिफ्थ पॉइंट, वैश्विक जलवायु जो लक्ष्य है, जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइमेट गोल्स हैं, उनको पूरा करने में ये हमारी मदद कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है। आप जानते हैं वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करना और वर्ष 2070 तक जीरो नेट, जो शुद्ध शून्य है, उसकी प्राप्ति करना।
फिर आपका एक पॉइंट हो सकता है बेहतर कृषि उपज, एग्रो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। इसमें क्या है, जो सामान्य मृदा है उसकी तुलना में जो वन प्रभावित मृदा होती है, ऑर्डिनरी सॉइल के कंपैरिजन में जो फॉरेस्ट वाली सॉइल होती है वो ज्यादा पैदावार उसमें देखी जाती है। तो उपयुक्त कृषि वानिकी प्रणाली जो है वो मृदा के भौतिक गुणों में सुधार कर सकती है, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बनाए रखने में मदद कर सकती है और पोषण चक्र न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी ये मददगार साबित हो सकती है। कृषि वानिकी सवनीय नवीकरणीय बायोमास आधारित जो ऊर्जा है, आपकी रेन्यूएबल बायोमास बेस्ड एनर्जी जो है उसका उत्पादन और संवर्धन करने में भी ये मदद करती है। एक पॉइंट आप ये देख सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी पॉइंट बता दिए मैंने, ये सिग्निफिकेंट क्यों है इस चीज के, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो आप काफी कुछ। ठीक है, अब आता है आपका सोशल फॉरेस्ट्री। ये लगभग सेम ही बातें हैं सामाजिक वानिकी, ये सार्वजनिक और जो निजी भूमि इसमें दोनों आएंगे, पब्लिक और प्राइवेट लैंड, उस पर वनों और पेड़ों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदाय जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको शामिल करना। यह वन प्रबंधन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को संतुलित करना। सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करने, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने में भी ये मदद कर सकती है। ठीक है, ये आपका 1976 में नेशनल एग्रीकल्चर जो कमीशन आया था आपका, उसने सुझाव दिया था एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री का कि ज्यादा से ज्यादा भारत में इसको अपनाया जाना चाहिए। तो मतलब ये प्राकृतिक साधन है जिसका मानवीय सहयोग से कुछ सीमा तक नवीकरण किया जाना संभव है। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ग्राम वासियों के साथ साथ नगर वासियों को भी समुचित लाभ होगा इसका, और उनकी वन्य आवश्यकता सबकी आप जानते हैं, फर्नीचर चाहिए, माचिस जलाने के लिए भी लकड़ी चाहिए, तो ये सारी चीजें पूरी हो सकती है। ठीक है, कहते किसे हैं आप समझ गए, वृक्षारोपण अधिकांशतः वन सीमा के बाहर बंजर भूमि एवं कृषि भूमि के रिक्त स्थान, खेतों की मेड़, इन सब पे किया जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, और इसको इस ये जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है इसको लेके आए थे जेसी वेस्टोबी ने, ये टर्म दी थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो है ये वृहद स्तर पे आप वृक्षारोपण की एक नवीन संकल्पना के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं लाभ के लिए पेड़ लगाना, उनका विकास करना, वनों का संरक्षण करना, इस पे ये बल देती है। ठीक है जी, राष्ट्रीय कृषि आयोग, मैंने आपको बता दिया 1976 में इसने सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया था, ये आप लिख सकते हैं। अब इसके जो है वो इसमें आप और क्या चीजें लिख सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में। अब स्थायी भूमि उपयोग और वन प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी दोनों महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। ये एकदम अच्छी स्ट्रेटजी है जिनका उपयोग जो है अगर आप बड़े स्तर पे करेंगे तो उसके लाभ जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती है, जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, और मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये उसकी एक श्रृंखला जो है प्रदान कर सकती है। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। अच्छा, सोशल फॉरेस्ट्री का क्या उद्देश्य हो सकता है या क्या मेन सिग्निफिकेंस हो सकता है अगर हम देखें तो इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, इसमें आप लिख सकते हो ये अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ईंधन, चारा, बांस, कृषि, आवासीय लकड़ी, ये सब। दूसरा, ये जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाता है। सामाजिक वानिकी से जलाऊ लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, ईंधन के रूप में गोबर जलाने से बचाया जा सकता है, फिर पेड़ पौधों की पत्तियों को हरे खाद के रूप में प्रयोग में ले जा सकता है। ये वायुरोधी और रक्षा पट्टियों की तरह काम कर सकता है। अगर मेड़ों पर सामाजिक वानिकी द्वारा शुष्क रेतीले क्षेत्रों में वायुरोधी रक्षा पट्टियां लगाएं तो उसमें भी ये जलवायु को कुछ सीमा तक अनुकूल किया जा सकता है, तेज हवा के झोंकों से फसलों को नुकसान नहीं होगा फिर, है ना। रोजगार और निर्धनता को हल करने में ये सहायक हो सकता है।
फिर अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया जा सकता है, मिट्टी और जल का संरक्षण किया जा सकता है, जलागम क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सकती है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ सकता है, इससे विकास प्रेरक हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें आप बहुत डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में स्थायी भूमि उपयोग प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक। राज्य में आप जानते हैं भाई एग्रीकल्चरली मूलतः कृषि के ऊपर निर्भर हैं लोग यहाँ पे, तो राज्य में एक बड़ी आबादी कृषि और वानिकी में लगी हुई है और इन दो प्रथाओं को एकीकृत करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और कार्बन प्रच्छादन सहित बहुत से लाभ मिल सकते हैं। अभी ऊपर बताया मैंने आपको सब एक एक चीज डिटेल। उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे 65% जनसंख्या जो है वो कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न। एग्रोफॉरेस्ट्री या जो कृषि वानिकी है, जो कृषि फसलों या पशुधन के साथ पेड़ों को एकीकृत करने की प्रथा है, वो बीते 5 से 7 वर्षों में राज्य में लोकप्रियता हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 और आपका राष्ट्रीय बांस मिशन नेशनल बैम्बू मिशन जो है 2006-07 जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य में कृषि वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छा खासा काम कर रही है इससे संबंधित, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री में भूमि के एक ही भाग पर पेड़ों और फसलों का एकीकरण किया जाता है। तो प्रदेश में किसानों ने पारंपरिक रूप से फल और इमारती लकड़ी के पेड़ों के साथ क्या उगाया है, गेहूं, मक्का, सब्जियां, ये सब फसलें भी उगाई हैं। यह अभ्यास मृदा की उर्वरता में सुधार करता है, मृदा के कटाव को कम करने और फलों और लकड़ी की बिक्री से आय का एक पूरक स्रोत प्रदान करता है। ये हमने ऊपर देखा भाई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज देता है ये इनकम जनरेशन। सामाजिक वानिकी में सामुदायिक भूमि, सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है। आपने वो भी देखा होगा हाईवेज पे वो लगे हुए हैं आपके बहुत सारे पेड़ झाड़ियां टाइप, जिससे एक दूसरे से लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो लेफ्ट और राइट साइड, और सर्किट हाउस जहाँ पे हैं हर शहर में वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण देखा गया। अभी पीछे अशोक के और पीपल के वो हाइब्रिड पेड़ लगाए गए, वो बहुत ही जल्दी उगे, बड़े बड़े पेड़ लगाए थे, देखा होगा आपने अपने शहर में ये सब भी। सड़क के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण शामिल है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी को कई ग्रामीण परिवारों को ईंधन के लिए काष्ठ, इमारती लकड़ी प्रदान करने के साधन के रूप में भी, और देखो ये सारी चीजें आपको मैंने ऊपर ही समझा दी, अब आपको कितनी आसान लग रही होंगी कनेक्ट करना, परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के साधन के रूप में राज्य के कुछ भागों में लागू किया गया है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण और वन संरक्षण के संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 2002 में अस्तित्व में आए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो था, और वर्ष 2001 में शुरू हुए उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ग्रीन मिशन जैसे विभिन्न सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को लागू किया था। उत्तर प्रदेश भागीदार वन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना, ये जापान की मदद थी इसमें, ये शुरू किया था 2010 में। फिर सामाजिक वानिकी के संदर्भ में राज्य सरकार विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। राज्य ने 2015 में क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ये सब लिखते रहो, पहल को भी लागू किया जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण अभियान और अन्य उपायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना। वीर अब्दुल हमीद वन वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, यह योजना वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। वृक्षों के आवरण, वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन करने वाले और इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों संगठनों के कार्यों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। ये भी कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका उत्तर प्रदेश ग्रीन बेल्ट विकास योजना, ये 2012-13 से चल रही है और इस योजना के तहत सामुदायिक स्थलों पे अलग अलग प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी प्रथाएं भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
क्योंकि इनमें सतत भूमि उपयोग प्रबंधन और ग्रामीण विकास में योगदान करने की क्षमता है। सोनभद्र जिले का एक गांव है बेलहट्टी गांव, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्राम वन फॉरेस्ट विलेज, मतलब इसमें क्या है, ज्यादातर जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, उसे फॉरेस्ट विलेज घोषित किया है। तो इसमें क्या है, सरकार और ज्यादा पैसे वैसे देती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है, उन चीजों को और बढ़ावा देती है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि और सामाजिक वानिकी के प्रचार प्रसार की दिशा में काफी प्रयास चल रहे हैं, हालांकि इन पहलुओं की प्रभावशीलता और प्रभाव कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे कारकों के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं। राज्य के अन्य क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी प्रथाओं के मामले में ज्यादा उन्नत है। इस क्षेत्र में सुविकसित काष्ठ आधारित उद्योगों की उपस्थिति के कारण उन किसानों द्वारा सुगठित कृषि वानिकी मॉडल लागू किए गए हैं जो कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए वृक्ष आधारित एग्रोफॉरेस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र के जो किसान हैं औद्योगिक कृषि वानिकी मॉडल अपना रहे हैं और उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए नीलगिरी, चिनार, बांस, इन सब की व्यवसायिक कमर्शियल जो फार्मिंग है वो भी कर रहे हैं। कृषि फसलों के साथ खेतों पर पेड़ों का रोपण किया जाने से किसानों को आय सृजन, इनकम जनरेशन होता है अतिरिक्त। घरेलू उद्देश्यों के लिए राज्य में किसानों द्वारा पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली को बरकरार रखा गया है। नीम, शीशम, बबूल, नीलगिरी, ये सब जो है प्रदेश में ज्यादातर आप देखेंगे प्रजातियां हैं जो पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली में इस्तेमाल की जा रही है। बुंदेलगंज क्षेत्र वृक्ष आधारित पारंपरिक ज्ञान का समृद्ध भंडार है। वृक्ष की उपज के अंतिम उपयोग के आधार पर एग्रोफॉरेस्ट्री को कृषि बागवानी, इसमें आपको कृषि के साथ जो है आप फल सब्जी ये सब उगाएंगे, कृषि सिल्वीकल्चर, इसमें आप कंट्रोल्ड तरीके से चीजों उगाते हैं, वनीय चारका या अन्य प्रणालियों के रूप में समूहीकृत किया जाता है। फसलों के साथ फलों के पौधों को शामिल करने की जो कृषि है उसको कृषि बागवानी कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में आंवला, बेल, बेर, अमरूद, ये सब आधारित कृषि प्रणालियां भी काफी आम होती जा रही। तो ये देखो कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी की, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो सहारनपुर में वुड बेस्ड है, यूकेलिप्टस और पॉपुलर तो जानते होंगे वेस्टर्न यूपी के लोग, पॉपुलर के पेड़ तो मैक्सिमम जो लोग खेती करते हैं उसमें उगाते हैं, लाखों के हो जाते हैं पेड़ कुछ सालों में। और बाउंड्री पे मैंगो, शीशम, जामुन लगाना, आम के तो आमतौर पे बाग है इस तरफ। फिर सहारनपुर में एग्री सिल्वीकल्चर है आपका, ये देख सकते हो आप सारे दिए हुए हैं, दो चार एग्जाम्पल लिख के आने के लिए, ठीक है ना। देखो इलाहाबाद में जेट्रोफा बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है वेस्ट लैंड्स पे, खाली पड़े हैं वेस्ट है। और मिर्जापुर में कालीन भैया भी उगा रहे हैं अमरूद वगैरह, है ना। और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में देख सकते हो पॉपुलर यूकेलिप्टस, ये सारी चीजें देख सकते हो आप एक बार, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में अब क्या है ना, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। हमने सारी चीजें देख ली, समस्याएं क्या है। प्रदेश में भारत के अन्य राज्यों की तरह कृषि और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, उनमें से आप कुछ चुनौती देख सकते हैं। तो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, भूमि का विखंडन। अब जो प्रदेश में भूमि अत्यधिक खंडित है, बड़े बड़े खेत कम, जिससे किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना मुश्किल हो जाता है, इससे कम उत्पादकता और खराब फसल की पैदावार होती है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है और कृषि मानसून की बारिश पर रेन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि राज्य में सीमित सिंचाई सुविधाएं हैं जो किसानों को सूखे और बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है। मृदा का क्षरण, सॉइल बहुत खराब हो रही है क्वालिटी, उर्वरक और कीटनाशकों का इतना ज्यादा उपयोग है उसके कारण प्रदेश में मृदा का क्षरण एक बहुत बड़ी समस्या है। यह फसल की पैदावार को प्रभावित करता है और पर्यावरण के क्षरण में योगदान। वनों की कटाई जो है वो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण समस्या है और यह जैव विविधता के नुकसान का कारण बन रही है और जलवायु परिवर्तन में योगदान। जागरूकता की कमी, प्रदेश में कई किसान नवीनतम कृषि तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अनभिज्ञ है, इससे कम उत्पादकता और खराब फसल की पैदावार होती है।
ऋण की कमी, फंड्स नहीं है इतने, लोन नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में कई किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए अपने खेतों में निवेश करना और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपर्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को कम कीमत मिलती है। पानी की कमी। प्रदेश जो है वो पानी की कमी वाला राज्य है और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सीमित है। अत्यधिक उपयोग और खराब प्रबंधन के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है बहुत ज्यादा। इससे सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई है और फसल की पैदावार भी प्रभावित होती है। वनों की कटाई एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को भी नुकसान पहुंचा रही है। वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। सरकारी सहायता का अभाव। सरकार उतना ज्यादा नहीं सहायता दे रही जितनी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कृषि और सामाजिक वानिकी के महत्व के बावजूद सहायता का अभाव है। सरकार को किसानों की स्थायी प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए उन्हें अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनमें निवेश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई जो किसान है वो वृक्षों के रोटेशन और परिपक्व वृक्षों के व्यापार संबंधी कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी की कमी है, तो उसे अपनाने के इच्छुक वो इसलिए नहीं होते। एक और इसमें आप चीज लिख सकते हो कि कृषि वानिकी का अस्पष्ट वर्गीकरण। कृषि वानिकी एक अपेक्षित आंदोलन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक यह विषय कृषि और वानिकी के बीच की दरार में झूलता रहा है, लिख सकते हो ठीक है। वित्तीय बाधाएं हैं, कमजोर विपणन अवसंरचना है, मूल्य खोज तंत्र की अनुपस्थिति है और फसल कटाई के बाद जो प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी है वो भी स्थिति को ज्यादा जटिल बना देता है। आप ये चीज ठीक है। अब इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार, स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों के ऋण और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता में सुधार और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वनों के संरक्षण और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और सामाजिक वानिकी में सुधार के लिए क्या क्या पहल करी है, यहाँ पे हम बोलेंगे। क्या प्रयास है? कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। राज्य सरकार किसानों के बीच कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू कर रही है। एक वो था ना, मेरे ख्याल से वो नेशनल गवर्नमेंट की थी, एक हर मेड़ पर पेड़ ऐसी भी थी। एक सरकार कृषि भूमि पर पेड़ उगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उन फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित करती है जिनका पेड़ों के साथ सहजीवी संबंध, पॉजिटिव इंटरेक्शन। पढ़ा होगा आपने कमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनवायरनमेंट में पढ़ी होगी ना। वन ग्रामों का विकास करना, फॉरेस्ट विलेजेस का डेवलपमेंट। राज्य सरकार ने कुछ गांवों की पहचान की है जहां अधिकांश भूमि वन है और उन्हें आदर्श वन ग्राम के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इन गांवों को सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। सामाजिक वानिकी इकाइयों का निर्माण करना, यूनिट्स बनाना, तो इसमें वानीकरण में सामुदायिक भागीदारी और ज्यादा बढ़े तो उसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सामाजिक वानिकी इकाइयों की भी स्थापना की गई। ये इकाइयां सामुदायिक समूहों को पेड़ लगाने और उनके रखरखाव के लिए तकनीक देना, वित्तीय सहायता देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये काम। प्रौद्योगिकी का उपयोग। सरकार अपने वनीकरण कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है। उदाहरण के लिए सरकार ने वन मित्र, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें क्या है भाई, कोई इलीगल पेड़ काट रहे हैं या कोई और अपराध है तो उसका रिपोर्ट आप इस पे कर सकते हैं। क्षमता निर्माण। सरकार अपने वन विभाग के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण में निवेश कर रही है। राज्य सरकार ने वन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य में एक वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की। तो प्रदेश सरकार जो है वो इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य के
वन आवरण में सुधार करना, स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में कृषि और सामाजिक वानिकी को बेहतर बनाने के क्या सुझाव? ये चीज और तो आप क्या कर सकते हैं, कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा, है ना, किसान ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपनाएं, उनको प्रोत्साहित करो, उन्हें स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद मिलेगी, ये चीज उनको पता चलेगी। तो जागरूकता अभियान हो, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। देशी प्रजातियों के उपयोग का संवर्धन किया जाए, इसमें कृषि और सामाजिक वानिकी में जो आपकी नेटिव स्पीशीज हैं उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, करने से राज्य की जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है और यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि पेड़ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल तभी चल पाएंगे वो अच्छे से। सामुदायिक वानिकी पहलों का विकास किया जाए, तो समुदाय आधारित जो वानिकी पहल है उनको विकसित करने से स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों में शामिल करने में भी मदद मिलेगी। यह स्थानीय समुदायों के लिए अतिरिक्त आय के भी अवसर प्रदान कर सकता है। स्थायी कटाई के तरीकों को लागू किया जाए, सुनिश्चित करा जाए कि जंगलों का प्रबंधन स्थायी रूप से किया जा रहा है, टिकाऊ कटाई के तरीकों को लागू किया जा रहा है, इसमें चयनात्मक कटाई, उचित छटाई तकनीक और उपयुक्त उपकरणों का उपयोग भी शामिल। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान, किसानों और वन प्रबंधकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने से कृषि और सामाजिक वानिकी से संबंधित उनके ज्ञान और कौशल में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसमें स्थायी भूमि उपयोग प्रथा, वृक्षारोपण तकनीक और वन प्रबंधन का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। निजी क्षेत्र में के निवेश को प्रोत्साहित करें, कृषि और सामाजिक वानिकी में निजी क्षेत्र के निवेश को और ज्यादा, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़े पैमाने पे हो, इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, तो इन सब चीजों से भी अच्छा काम हो सकता है। अब इसमें जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये निजी जो क्षेत्र है वो कृषि वानिकी में एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में इसके साथ CSR, आप जानते होंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल विकसित करो जहाँ छोटे भूमिधारक कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आय अर्जित कर सके, दीर्घावधिक वित्त पोषण चक्र के साथ संस्थागत ऋण, ब्याज स्थगन, कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों को भी अभिकल्पित किया जाना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं आप, एक आप लिख सकते हो इसमें FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, किसान उत्पादक संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वृक्ष आधारित जो खेती है और जो मूल्य श्रृंखला विकास है, वैल्यू चेन, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन डेवलपमेंट विकास, ठीक है, ये इसके विस्तार को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण हेतु किसान समूह, सहकारी समितियां होंगे, स्वयं सहायता समूह है, FPO, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि वानिकी की जो वर्तमान स्थिति है वो प्रतिकूल कानूनों में संशोधन और वानिकी एवं कृषि संबंधित विनियमों को सरल बनाने की भी मांग रखती है। और एक आप साइंटिफिक इसमें रीजन भी डाल सकते हो कि जो वैज्ञानिक है और शोधकर्ता है वो स्थान विशिष्ट वृक्ष आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित करें, लोकेशन बेस्ड, जो सघनी आजीविका के लिए फसल और पशुधन प्रणालियों को पूरकता प्रदान करें, लैंगिक चिंताओं को संबोधित करें और स्थानीय समुदायों के विचार इसमें शामिल करें। ये पॉइंट ठीक है, तो नीतिगत उपाय, सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र का निवेश, इसका संयोजन प्रदेश में स्थायी कृषि और सामाजिक वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके साथ साथ ये लेक्चर हो जाता है खत्म। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगी आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उत्तर लेखन करते रहिए जोर शोर से। PDF के लिए, किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर हमारा ज्वाइन करके रखिए आप, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दी जाती है। बहुत बहुत